हे गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोजी की। तो सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोजी जो होता है, एक तो पहला ये क्या होता है कि टीनिया सिलियम का लार्वा होता है। अगर इसका मतलब कि टीनिया सिलियम के एग्स का इंजेक्शन कर लेते हैं तो सिस्टिक सर्कोसिस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में अपन सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोजी की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बल्कि हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टिक सर्कोसिस देखेंगे, ठीक है ना। सिस्टिक सर्कोसिस क्या होता है, उसका न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस क्या होता है, ये सब देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, उस लेक्चर में। तो हमने ये समझने की कोशिश करेंगे, पहले सबसे पहले तो ये सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोसिस किस बला का नाम है। द लार्वा स्टेज और सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोसिस, तो ये क्या है, ब्लैडर वॉर्म है ऑफ टीनिया सुलियम का। टीनिया का ये मतलब लार्वल स्टेज है, ठीक है, ऑफ टीनिया सुलियम, ठीक है। डेवलप्स इन द मसल्स ऑफ इंटरमीडिएट, इट्स इंटरमीडिएट होस्ट दैट इज पिग। ये पिग में डेवलप करता है, ठीक है ना। ये किस में डेवलप करेगा, पहले बात तो ये पिग में डेवलप करेगा। पिग क्या इसका होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है, जहाँ पे मतलब कि सेक्सुअल साइकिल नहीं होती है। डेफिनेटिव होस्ट में सेक्सुअल साइकिल होती है, इंटरमीडिएट होस्ट में केवल रिप्लिकेशन होता है, सेक्सुअल साइकिल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे वो डेवलप करेगा पहली बात तो पिग में। द मसल ऑफ द टंग, नेक, शोल्डर एंड हैम आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। जो इसमें जो इसके मसल्स जो होते हैं, कि मसल्स में पहली बात तो पिक के डेवलप करेगा। जो पिक का कौन कौन सा मसल, पिक का जो टंग हो सकता है, नेक हो सकता है, शोल्डर मसल्स होते हैं, और हैम उसका जो होता है, हैम मसल होता है, तो वहाँ पे वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग हैम एंड चीज़ खाते ना, हैम एंड चीज़ आपने सुना होगा, हैम एंड चीज़, ठीक है ना। तो वो जैसे हैम एंड चीज़ खाया, तो उसके साथ क्या क्या कभी कभार क्या होता है, सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोसिस के लार्वा आ जाते हैं, तो वही हम लोग को दिक्कत कर देता है। द कार्डियक मसल मे ऑल्सो गेट इफेक्टेड, तो इसका कार्डियक मसल भी इफेक्टेड हो सकता है। अब मैच्योर सिस्ट इज एन एलिप्सॉइड बॉडी, ठीक है। मैच्योर सिस्ट जो होता है आपका, जो एक मैच्योर सिस्ट होता है वो एलिप्सॉइड बॉडी होता है। एलिप्सॉइड मतलब एलिप्टिकल नेचर होता है। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सिस्ट इज पैरेलल टू द मसल फाइबर, जैसे ये मसल फाइबर हो गया तो इसका जो लॉन्ग एक्सिस है ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। उसका जो लॉन्ग एक्सिस है उसके पैरेलल होगा, ठीक है ना। मैच्योर सिस्ट इज एलिप्सॉइड बॉडी एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सिस्ट इज पैरेलल टू द मसल फाइबर, ठीक है ना। तो ये बात इसकी रही, ठीक है। नोट्स थोड़े से हो सकता है हैपजार्ड हो, ठीक है, लेकिन उसको देख लेना यार, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कंटेंट, अगेन कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ नोट्स, ठीक है। तो मैच्योर सिस्ट क्या होता है कि एलिप्सॉइड बॉडी होती है, जिस एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सिस्ट इज पैरेलल टू द मसल फाइबर। अ डेंस डेंस मिल्की वाइट स्पॉट इज प्रेजेंट, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है, एक डेंस मिल्की वाइट स्पॉट होता है, कहाँ पे, ये सिस्टिक सर्कस जो कि मसल्स फाइबर्स में, ठीक है ना। डेंस मिल्की वाइट स्पॉट इज प्रेजेंट एट द साइट वेयर द स्कोलेक्स विद इट्स हुक्स एंड सकर्स रिमेन्स इनवेजिनेटेड। यहाँ पे क्या होता है कि डेंस मिल्की क्या होता है, डेंस मिल्की वाइट स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, डेंस मिल्की वाइट स्पॉट होते हैं, मिल्की एकदम मतलब कि दूध की तरह, डेंस एकदम डेंस होता है, दूध की तरह होता है, दूधिया कलर होता है, वाइट डेंस मिल्की वाइट स्पॉट होते हैं वहाँ पे, इज प्रेजेंट एट द साइट वेयर स्कोलेक्स विद इट्स हुक्स एंड सकर्स रिमेन्स इमेजिनेटेड। वहाँ पे क्या होगा, एक डेंस मिल्की वाइट स्पॉट होंगे, कुछ एक वाइट स्पॉट के फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है ना, वाइट स्पॉट के फॉर्म में दिखेगा। एट द साइट वेयर द स्कोलेक्स विद इट्स हुक्स एंड सकर्स रिमेन्स इमेजिनेटेड, जहाँ पे उसके हेड के जो होते हैं ना स्कोलेक्स, जो स्कोलेक्स होता है उसका, स्कोलेक्स होता है उसके साथ क्या होते हैं, हुक्स एंड सकर्स होते हैं, उसके साथ इमेजिनेट कर जाए, ठीक है ना। वहाँ पे एक डेंस मिल्की वाइट स्पॉट देखने को मिलेगा। एट द साइट वेयर द स्कोलेक्स विद इट्स हुक्स एंड सकर्स इमेजिनेटेड, द सिस्ट डेवलप्स फर्दर व्हेन इंजेस्टेड बाय मैन, जो कि उसका होता है डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है ना। उसका जो डेफिनेटिव होस्ट है, अगर उसके जो सिस्ट होता है डेवलप कर लिया फर्दर, तो वो कहाँ डेवलप करेगा, अपने डेफिनेटिव होस्ट में, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोसिस की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे सिस्टिक सर्कोसिस की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।